नमस्कार जोहार, मैं हूँ आपके साथ लक्ष्मी और चलता फिरता स्टूडियो लेकर के हम पहुँच चुके हैं खूंटी में। यहाँ की जनता से जानेंगे क्या कुछ इनका मुद्दा है और क्या इस बार जनता चाह रही है। तो बिरसा मुंडा की कर्म भूमि, जन्म भूमि पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ की पब्लिक से ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि इस बार क्या सोच करके यहाँ की जनता वोट डालने के लिए जाएगी मैदान में। तो हमारे बीच में कुछ मेहमान भी हैं, आइए पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस से रविकांत मिश्रा जी हैं और जेएमएम से रंजन ठाकुर जी हैं हमारे बीच। वहीं बीजेपी से संजय साहू जी हैं और बीजेपी से ओम प्रकाश सिंह एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और बीजेपी से प्रियांक भगत जी भी हैं। तो आप सभी का स्वागत है सर न्यूज 18 के इस चुनावी स्पेशल प्रोग्राम में। जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे मेहमान के लिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सर आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगी, रंजन ठाकुर जी आपसे, आपकी सरकार है राज्य में, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कितना कुछ काम किया और आपको क्या लगता है कि किस आधार पर आपको जनता इस बार वोट डालेगी। झारखंड में हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम करने के लिए काम की है। किसी भी क्षेत्र में यथासंभव सामाजिक स्तर पर आपको गरीब गुरबा के लिए, आपको क्या कहें, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारी सरकार यहाँ सफल काम की है। ठीक है, आपसे सर जानना चाहेंगे, आप भी सहयोगी हैं तो आप भी इसी सवाल का जवाब दीजिए। देखिए, अभी जो हमारी झारखंड में जो हमारी गठबंधन की सरकार चल रही है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जहाँ तक बात है आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अभी देखिए जितना भी आपको जिला में सदर अस्पताल आपको झारखंड लेवल पर मिलेंगे, और जैसे कि हमारे क्षेत्र में भी आप देख लेंगे उसमें बहुत सारी सुविधाएं सबको दी गई है, और अभी उसका नया बिल्डिंग भी बन रहा है हमारे क्षेत्र में। और हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, और हमारी सरकार ने बहन बेटियों को मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपया देने का काम किया है। उसके बाद जितना भी लोगों, गरीब लोगों का जो बिजली बिल जिनका बकाया था वो सारा बिजली बिल माफ किया, किसान लोगों का ऋण माफ किया, आपको बेहतर रोड की सुविधा दे रहे हैं। आपको देखिए जैसे कि रांची में भी जो फ्लाईओवर बन रहा है। संजय जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछली बार देखिए जनता ने आपको नकार दिया था, तो क्या आप लोग इस बार पिछली गलतियों को सुधारे हैं और क्या इस बार जनता के लिए कुछ खास रहने वाला है? जनता ने हमें नकारा नहीं है, लगातार हम इस क्षेत्र का बहुत ही अच्छे ढंग से नेतृत्व करते आए हैं। और जहां तक इन्होंने कहा खूंटी की विकास के बारे में, तो एक चीज मैं बतला देता हूं कि जब हमारा भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहां से पहली बार 2000 में चुन करके आया, ग्रामीण सड़क की तो या ग्रामीण क्षेत्र का तो बात छोड़िए, प्रखंड मुख्यालय मैं चुनौती देता हूं उनको कि कर्रा प्रखंड मुख्यालय में बिजली नहीं था, रनिया प्रखंड मुख्यालय में बिजली नहीं था। ग्रामीण सड़क की बात छोड़िए, यहां से नजदीक में आधा किलोमीटर के बाद डीएवी स्कूल है, डीएवी स्कूल के आगे आप चले जाते तो चलने के लिए सड़क नहीं थी, दूसरी जगह तो बात छोड़िए। तो जो भी ये कह रहे हैं इनके माध्यम से कोई विकास हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। जब भारतीय जनता पार्टी का यहां पर से प्रतिनिधि चुन करके आया, हमारा सरकार बना, तब पूरे ग्रामीण क्षेत्र में एक एक सड़क का जाल बिछा, रोजगार के क्षेत्र में अनेकों कार्य किए गए। ठीक है सर, इस पर आएंगे, लेकिन अभी सवाल सर आपसे, अगर बात खूंटी जिले की करें तो यहाँ पर पिछले बार देखा जाए बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं था आप लोगों का, तो इस बार क्या आप लोग ऐसा खास करने वाले हैं जिससे कि जनता इस बार आपको स्वीकारेगी? देखिए, हमारे पुराने काम से ही जनता हमें स्वीकार कर रही है, करेगी नहीं, कर रही है जनता स्वीकार। लेकिन इतने लंबे समय से सर यहाँ पर बीजेपी जो है अपना बांधी हुई है, जनता जो है उनका कहा जाता है कि कोर वोटर है। नहीं तो कोर वोटर तो यहाँ सबके हैं, एक अकेले बीजेपी के तो नहीं है। हमारी इंडिया गठबंधन इस बार बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। 25 साल से सर बीजेपी का देखिए गढ़ माना जा रहा है, इसको कैसे आप कितने चुनौतीपूर्ण आपको लग रहा है कि ये जो है क्षेत्र है? इस बार ये गढ़ टूटने वाली है, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूँ। सर आप क्या कहेंगे, बीजेपी यहाँ पर काफी लंबे समय से है, तो क्या कितना विश्वास है जनता पे कि इस बार भी आपको ही सत्ता सौंपेगी? निश्चित रूप से हम यहाँ 5वीं बार जीत चुके हैं और इस बार छक्का मारने वाले हैं, और ये निश्चित रूप से नीलकंठ सिंह मुंडा जी यहाँ के पूरे खूंटी जिले का, अपने विधानसभा के अलावा वो राज्य के मंत्री रहे हैं और उनका विजन जो है पूरे राज्य के विकास के लिए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि लंबे समय से बीजेपी है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है लेकिन इसके बावजूद आदिवासियों को मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। मुझे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो बड़े भाई रवि जी ने बोला कि विकास को ये किस तरह से डिफाइन करते हैं, पहले ये देखना चाहिए।
दूसरा कि जो भाजपा का काम यहाँ पे हुआ है वो धरातल पे है, नहीं अगर धरातल पर नहीं होता तो 5 साल कंटिन्यूअस 5 टर्म अगर नीलकंठ मुंडा विधायक नहीं रहते, और ये छठी बार है। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आज भी जो कैंडिडेट आपका दिया गया है मेरे हिसाब से तो वो एक डमी कैंडिडेट है, वो जीत ही नहीं सकता, उसका जनाधार ही नहीं है। उसके बाद आप कैसे बोलते हैं कि हमको जनता चुनेगी? सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर गड़बड़ी है। जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट आपने दिया है किस आधार पर दिया, क्या जनाधार है, किस मुद्दे पे उसको सामाजिक तौर पे किस तरह से उसको एक्सेप्ट किया गया, कैसे चुना गया, उसका चयन कैसे किया गया, किस तरह किस लेवल पे वो काम करती है यहाँ पे, इसका भी तो डिफाइन कर रहे हैं आप किस तरह से लोग को बेवकूफ। सर आप क्या कहेंगे सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट को लेकर के बात की जा रही है कि उनका बहुत ज्यादा सामाजिक इतना इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने टिकट दिया? हमारे खुट्टी जिला के दोनों भी जेएमएम के जो उम्मीदवार हैं बांसले नताज जी और सुदीप भैया, ये लोग बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं समाज के प्रति, समाज के प्रति और अपने क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता। लेकिन 25 साल से कोई विधायक लगातार बनता रहा हो लेकिन क्या उसके सामने लग रहा है कि कांटे की टक्कर होगी या फिर फीका पड़ जाएगा मामला? नहीं नहीं, इस बार तो कांटे की टक्कर है और जहां तक हमें लग रहा है पब्लिक लोगों का मूवमेंट देख करके कि खूंटी जिला के दोनों सीट पर जेएमएम के उम्मीदवार विजयी होंगे। खूंटी जिले की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आदिवासियों की बात की जाती है क्योंकि यहाँ पर आदिवासी बहुल ये क्षेत्र है, और रोजगार की बात की जाती है कि आज भी उनको बहुत ज्यादा रोजगार के लिए लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, अच्छे से उनको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उनकी जो है बहुत कम रहती है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए आपके ही परिवार से देखा जाए तो सांसद भी हैं विधायक भी हैं लेकिन इसके बावजूद बहुत ज्यादा ध्यान जो है नहीं रखा जा रहा आदिवासियों का। ऐसा नहीं है, एक तो निसंदेह मैं ये कहूंगा 60 साल तक लगातार कांग्रेस ने इस देश में शासन किया, हमारा 10 साल मोदी जी का शासन काल और 1-5 साल का अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन काल था। आपको मैं एक बात बतला देता हूं कि पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार बनी थी उसमें आदिवासियों के लिए अलग से मंत्रालय बना और उसके माध्यम से अनेकों रोजगार सृजन किए गए, जिसका आज कारण है कि आप आज से 15-20 साल पहले जब जाते ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत अधिक, लेकिन बहुत पुरानी बात नहीं करते हैं सर, अभी की बात करें तो आज पलायन रुका है, जिस स्तर पर यहाँ के लोग पंजाब आसाम दिल्ली जाते थे, अगर यहाँ पर रोजगार नहीं था तभी तो बाहर जाते थे, लेकिन आज जब हमारी केंद्र में सरकार है और आदिवासियों के लिए विकास का कार्य कर रही, जिसका परिणाम है कि आज पलायन निश्चित रूप से कुछ कमी आया है। सर आप क्या कहेंगे अब रोजगार के मुद्दे पर? रोजगार के मुद्दे पर जो कह रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हेमंत सरकार आने के बाद में हमारे क्षेत्र में पलायन रुकी है, लोगों को काम मिला। अभी देखिए जो मनरेगा में था उसका पैसा अभी नहीं आ रहा है, आपको मजदूरी नहीं मिल रहा है, केंद्र सरकार यहाँ हमारे झारखंड के साथ में भेदभाव कर रही है, वो पैसा नहीं भेज रही है, जो भी रेवेन्यू का जो पैसा झारखंड को मिलना चाहिए, जो हक का पैसा है, जो गरीबों में हमारी सरकार उसको खर्च करती है, वो पैसा सरकार रोक दी है। तो यही सब है इसके चलते यहाँ है, और अभी जो पलायन की बात कर रहे हैं जरूर रुका है हेमंत सरकार के चलते। धर्म परिवर्तन को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे मुद्दे उठते हैं कि धर्म परिवर्तन किया जाता है, कुछ पैसे उनको दिए जाते हैं, धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूंगा। देना तो पड़ेगा ही सर आपको, आपकी सरकार है सर, सवाल किससे पूछे फिर बताइए। ये तो सर आप क्या कहेंगे? देखिए धर्म परिवर्तन तो ऐसा नहीं हो रहा है, केंद्र में सरकार है, हर कुछ है, हम लोग को तो नहीं लगता, हम लोग यहाँ की लगता है आप रिपोर्ट नहीं देखते सर, जबरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा रहा है मेरे हिसाब से तो ये है यहाँ। तो फिर क्या अपने मन से कोई धर्म परिवर्तन करता है? अपने मन से भी तो हमको तो पता नहीं है, फैलाया फुसलाया जा रहा है सर? ना ना वैसा कुछ नहीं है, सब देख रहा है सरकार है, सब कुछ रिपोर्ट नहीं देख रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कहेंगे सर धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर? यहाँ बरसों से सेवा के नाम पर लोगों को बरगलाया जा रहा है और धर्मांतरण कराया जा रहा है। आज आप देखें तो पूरे झारखंड में ऐसे जिले बढ़ते जा रहे हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठी शरण लिए हुए हैं, ऐसे बहुत मोहल्ले बन गए हैं जहां शादियां बांग्लादेश के लोग आके कर रहे हैं और दामाद मोहल्ला बन रहा है, तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और निश्चित रूप से जो यहां डेमोग्राफी बदल रही है हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और ये राज्य सरकार के संरक्षण में हो रहा है, इसे हमें रोकना है, इसलिए घुसपैठियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आह्वान करती है आम जनता से कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें,
ताकि हम यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमान जो यहाँ आके इस क्षेत्र को बदनाम कर रहे हैं वैसे लोगों से सावधान रहे और हम निश्चित रूप से राज्य सरकार संरक्षण दे रही है। सरकार आएगी नहीं, देखिए राज्य सरकार, देखिए बॉर्डर किसके जिम्मे पे है, बॉर्डर तो केंद्र सरकार के जिम्मे में, बॉर्डर की बात नहीं है यहाँ जो परिस्थितियां बंगाल के क्षेत्र से जो प्रवेश हो रहा है, बॉर्डर तो केंद्र सरकार के जिम्मे में, बीएसएफ लगी हुई है, आपको आर्म फोर्सेस लगे हुए हैं, लोग कैसे आ रहे हैं, लोग तो बॉर्डर पार करके ना आएंगे हैं, तो वैसा तो है तो उधर से आने मत दीजिए आप। अच्छा, आप लोग दोनों बहुत सॉफ्टली बोल रहे हैं जी, बताइए। आपने कहा कि ठीक है बॉर्डर में नहीं सिक्योरिटी हो रहा, थोड़ा देर के मान लीजिए लूप होल है वहाँ पे और वो लोग आ गए तो फिर यहाँ से क्या हो रहा है? आपके सामने हाथ को आरसी का पढ़े लिखे फारसी क्या, आप कैमरा उधर घुमाइए अपने तरफ और देखिए रोहिंग्या मुसलमान यहाँ खड़े हैं कि नहीं है, आप खड़े हैं कि नहीं देखिए आप, मैं दंगे की चोट पे बोलता हूँ, ये लोग यहाँ के नहीं है, ये लोग बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ के है ही नहीं, लोग पूछिए आप पूछिए, ये सरकार झारखंड के असीमता को, अस्तित्व को मिटाने के लिए एड़ी चोटी लगा रही है, आदिवासी समाज को विलुप्त करने की कगार पे आकर खड़ी कर दी गई है, ऐसे लोग जो झारखंड को पूरी तरह से खत्म करने की मंशा लेके आ रहे हैं वो सरकार में आना चाहते हैं सिर्फ अपना वोट बैंक दिखाने के लिए, बाहर से इंट्रूडर्स को बुलाते हैं और अपना वोट बैंक बनाते हैं, 2 महीने पहले आए हुए चौक में लोग अपना घर बनाते हैं, उनका राशन कार्ड आधार कार्ड बन जा रहा है, लेकिन इनके हुक्मरान को बोलने की हिम्मत नहीं है, इनके पास खुद कुवत नहीं है कि और उनको रोक दे, अगर इनके पास है ताकत बोलिए अभी बता दीजिए ये लोग हैं कि नहीं है। तो आपको कहने का मतलब ये कि अधिकारियों की मिलीभगत होती है, अधिकारी का पूरा सरकार मिला हुआ है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं और हमारे बीच में पब्लिक भी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ उनकी समस्या है। सर चुनाव नजदीक आप लोग वोट डालने के लिए जाइएगा तो क्या सोचकर जाइएगा मैदान में वोट डालने के लिए? क्या सोच के डालेंगे जी, जिसका मैंने अच्छा काम करेंगे वही सोच के डालेंगे, जो सरकार अच्छा काम करेंगे देश के लिए जो अच्छा करेंगे उसी को डालेंगे वोट। तो अब तक लग रहा है कि काम हुआ है, इन 5 सालों में हेमंत सरकार काम की है? कुछ काम नहीं किए हैं, कुछ काम नहीं किए, नहीं किए, कुछ नहीं मिला, नहीं मिला है, बिजली नहीं मिल रही फ्री, बिजली फ्री तो कल परसों ना मिली है। अच्छा है, उतना दिन से थी, 5 साल से थी, 4 साल कहाँ गए थे, और घर में औरतों को 1000 रुपया नहीं मिल रहा है, है? कुछ नहीं मिल रहे हैं, 1000 रुपया अभी थी मैया योजना जो मिल रहे हैं, बूढ़ा बुढ़िया का थी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के रोक कर दे रहे हैं। अच्छा, विधवा को पेंशन को रोक दिया मिल रहे हैं, लेकिन झारखंड में जो विकास होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हो पाया है, चाहे वह बीजेपी का सरकार हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार हो, ये लोग सभी जो है झारखंड के जनताओं को छलने और ठगने का काम किया है। ठीक है, आप क्या कहेंगे सर? 24 साल में विकास तो क्या, विनाश ही विनाश हुआ है यहाँ पे, रोड और नली गली बना देने से विकास नहीं होता है, रोजगार बिल्कुल शून्य है, यहाँ इतने दुर्भावना से ग्रसित है यहाँ के सरकार जो भी आए कि यहाँ ओबीसी को बिल्कुल जीरो करके रखा गया है, 5 से 7 जिला में रोजगार नहीं है, पलायन बहुत ज्यादा है और सुरक्षा के नाम से बिल्कुल नग्न है, इसलिए तीसरा विकल्प को ही जनता को चुनना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे सर? यहाँ पर बाईपास रोड बहुत आवश्यकता है और खूंटी रांची 4 लेन होना चाहिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर जो होना चाहिए जितना विकास उतना तो नहीं हुआ है, लेकिन आने वाला सालों में अगर केंद्र सरकार की मतलब जो है उसमें हो सकता है कि विकास हो। 1000 रुपए मिल रहे हैं? कहाँ नहीं मिले, बहुत को मिला केवल इलेक्शन आने के पहले, उसके बाद अभी कोई नहीं आया, अभी कुछ नहीं मिला। और बिजली फ्री वो सब नहीं है, केवल थोड़ा बहुत दिया गया है, बाकी बात वृद्धा पेंशन विकलांग सब पेंशन बंद है, सब बंद है, बंद है। सर क्या देखिए यहाँ पे आपके सामने उदाहरण है, न बिजली फ्री मिल रही है न महिलाओं को सम्मान। हाँ, कुछ जगहों पर मिला जरूर है, लेकिन कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर महिलाएं वंचित हैं इस योजना से। आप अभी देखिए मैया योजना के चलते आप अभी कोई भी बैंक में वर्किंग डे में चल जाइए, आपको पैर रखने का जगह नहीं होगा, सारे महिलाओं को पैसा मिल रही है, आप लिस्ट उठा के देखिए सारे लोगों का बिजली बिल जिनका बकाया था सारा माफ कर दिया गया है, आप उठा के देखिए, आप इंक्वायरी इसमें कर सकते हैं, आप जाइए ना भाई बैंक में। हम लोग हर जिले में पहुंच रहे हैं सर, कुछ लोग आपको तो पता मिली जुली बातें सामने आती है, कुछ लोगों को मिल रहा है कुछ लोगों को नहीं। देखिए जिनका कागज फुलफिल अभी सब लगे हुए हैं एक साथ में इतना को एक ऐसा ये सोच के कि एक कुछ तरफ महिलाओं को 3 किस्त मिल गई है और कुछ को मिला ही नहीं। इधर मैया सम्मान योजना तो आप लोग गोगो दीदी योजना, ये कॉपी क्यों? ये कॉपी की बात नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण के नाम पर ये सरकार झूठ का बुनियाद पर खड़ी है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी थे, तो हमने सम्मान दिया, हमने एक रुपये में उनकी रजिस्ट्री, उनको मालिकाना हक देने का काम किया। और ये क्या कर रहे हैं, ये एक नौकरानी की तरह बिहेव कर रहे हैं महिलाओं के साथ। और केवल कि 1000 रुपया दे के मैं अपने साथ रखूं, वोट की राजनीति नहीं। देखिए, पहले तो मैं इनको कहूंगा कि महिलाओं को मतलब नौकरानी अरिया करके उनका अपमान ना करें। देखिए, ये तो शुरुआत थी, योजना की शुरुआत थी 1000। अभी हमने घोषणा पत्र में अपना जारी किया है कि जब हमारी अभी दोबारा सरकार आ रही है उसमें हम लोग 2500 रुपया करके देंगे सम्मान के साथ। उन लोग को हम ये उन लोग को एक सहयोग राशि दे रहे हैं, कोई उसको ही नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, जब अनाउंसमेंट होना है, जब चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है, उसे एक दिन पहले आप लोग ये राशि जो है वो बढ़ाते हैं, तो क्या ये चुनावी हथकंडा नहीं है? नहीं नहीं, चुनावी नहीं है, हम लोग तो बाकायदा कैबिनेट में पास हमारी गवर्नमेंट ने। तो ये चीज आप पहले क्यों नहीं किए? ना, हम लोग शुरुआत एकदम चुनाव नजदीक है तो किया, शुरुआत 1000 से हम लोग किए हैं, उसके बाद इनकी सरकार। तो जब आपने देखा कि बीजेपी अब गोगो दीदी ला रही है तो आप लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसकी राशि बढ़ा दी जाए? नहीं नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, हम लोग इसको आगे ले जाने वाले ही थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जो इन्होंने बोला कि मैया सम्मान योजना, देखिए हमारे भाजपा की सरकार ने छत्तीसगढ़ में पहले ही महतारी योजना पहले से ही उसको शुरू की है, इसका ये कॉपी है। उसके बाद भाजपा ने अपना एक एजेंडा तय किया, उसके हिसाब से अपना काम किया। इसके बाद भी अगर कोई किसी तरह का कोई भी ऐसा योजना ये लोग लाने के लिए खुद से पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते, हमेशा कॉपी पेस्ट करने पर रहते हैं। ठीक है, आप जान लेते हैं पब्लिक से कि क्या बिजली बिल इनकी माफ हुई है या नहीं। ये तो जो भी हुआ है उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, मगर एक ही बात कह सकते हैं, जो बार बार मैया योजना बोला जा रहा है, मगर मैया योजना कितने दिन तक लागू होगा? ये तो है इनका कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा, इनका कहना है ये केवल इलेक्शन तक है। अच्छा, इलेक्शन के बाद कुछ नहीं है। अच्छा, बीजेपी भी कह रही है गोगो दीदी योजना लाएगी जिसमें की राशि जो है ज्यादा 2100 की राशि है, तो क्या आप भरोसा कर रहे हैं बीजेपी पे? हाँ, वो तो 110%। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हाँ, बीजेपी की सरकार बनेगी तो। किस आधार पर आपको जनता इस बार वोट डालेगी? काम की है, जो मनरेगा में था उसका पैसा अभी नहीं आ रहा है। विजन जो है पूरे राज्य के विकास के लिए। रोजगार की बात करें तो कुछ भी नहीं है यहाँ। विकास को ये किस तरह से डिफाइन करते हैं पहले ये देखना चाहिए। ये लोग सभी जो है झारखंड के जनताओं को छलने और ठगने का काम किया है। आदमी कहीं ना कहीं संलिप्त है किसी न किसी मुद्दे में, किसी भ्रष्टाचार में।